तो क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेस्टर्न पॉइंट में। देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा 2023 में एक न्यू लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेकर के आई है, जिस क्रेडिट कार्ड की ना ही आपको ज्वाइनिंग फी देनी है, ना ही आपको एनुअल फी देनी है। साथ में गई बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ओनली वन पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आपको ये कार्ड जो है मिल जाते हैं। इस कार्ड को लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि गई घर बैठे आप अपनी मोबाइल फोन या लैपटॉप से कम्प्लीट इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और गई 1 से 2 वीक के अंदर में अपनी एड्रेस पे बाई पोस्ट के माध्यम से इस क्रेडिट कार्ड को कम्प्लीट डिलीवर कराएंगे। तो फाइनली गाइज, अगर आपने बहुत सारे बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं बट गाइज अभी तक आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं की है, तो फाइनली गाइज आप बैंक ऑफ बड़ौदा की एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपको ये बैंक किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप करके बताया है। साथ में गाइज इस क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट हमने ट्रैक करके दिखाया है, यानी कि गाइज आप अपने कार्ड को अप्लाई कर लेंगे उसके बाद कैसे ट्रैक करेंगे कि अभी हमारी क्रेडिट कार्ड कहां तक पहुंची है और गाइज कितने दिन के अंदर में हमारी एड्रेस पे कंप्लीट डिलीवर्ड होगी। तो फाइनली गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो गाइज आप एक भी स्टेप को मिस कीजिएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आने वाली लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेंगे, जहां से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, वीडियो में जो लिंक दी गई है, अगर आप जो है उस लिंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो यहां पे 110% उम्मीद रहती है कि आपको ये कार्ड मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको कंप्लीट चीजें बताया गया है कि ये कार्ड आपको कंप्लीट 3 स्टेप में मिल जाती है। पहली स्टेप में यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करके यहाँ पे आपको अपने कार्ड को चूज करनी होती है कि आपको कौन सी कार्ड चाहिए। दूसरी स्टेप में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और तीसरी स्टेप में आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन यानी कि वीडियो केवाईसी करनी होती है। उसके बाद फाइनली गाइज आपके एड्रेस पे एक कार्ड जो है कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स क्या फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी टाइटल फिल करनी है कि आप अपने नेम की पहले कौन सी टाइटल लगाते हैं, मिस्टर मिसेज यहाँ पे जो भी टाइटल लगाते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपनी मिडिल नेम फिल करेंगे, साथ में गाइज आप अपनी लास्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे और गाइज यहाँ पे आप अपनी पैन कार्ड की नंबर फिल करेंगे। साथ में गई यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पे आपको एक कैलेंडर की ऑप्शन मिलेगी, फाइनल गई कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद गई यहाँ पे आप जो है रेसिडेंशियल इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको 2 इनकी छोटी छोटी टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स दिखेगी, दोनों बॉक्स में यहाँ पे आप टिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए 6 डिजिट की ओटीपी सेंड की जाती है। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे एक वेरीफाई ओटीपी की बटन देखने को मिलेगी, फाइनल गाइस यहाँ पे आप वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी जाती है, यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गई यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जा रही है, आपकी 1 साल की कितना रुपया इनकम है, यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट इनकम फिल करेंगे। नीचे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पे HBCL, यहाँ पे IRTC, नैनीताल बैंक, इनमें से गई किसी भी एक कार्ड को आप सिलेक्ट करेंगे या फिर गई यहाँ पे आप I would like to go for another card वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए गई यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की कस्टमर हैं तो यहाँ पे एस करेंगे, वरना गई आप जो है इसे नो कर देंगे। और देखिए गई इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आपके पास किसी और बैंक का भी कार्ड है तो यहाँ पे आप एस करेंगे और गई यहाँ पे आपके पास कौन सी बैंक की कार्ड है उसे यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे और गई उस कार्ड की लिमिट कितना है इस बॉक्स में आप उसे फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड नहीं है, यहाँ पे आप अपनी लाइफ की पहली क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे और गई यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे।
अगला पेज में आप अपनी परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करेंगे, यानी कि गाइस आप अपनी आधार कार्ड की कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद गाइस यहां पे आपको जो है अपनी आधार कार्ड की लास्ट वाली 4 डिजिट अंक फिल करनी है। गाइस ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल करेंगे, वरना गाइस आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद गाइस यहां पे आपको नीचे करंट एड्रेस फिल करने की ऑप्शन मिलती है। फाइनल गाइस यहां पे आप अपनी कंप्लीट करंट एड्रेस फिल करेंगे और गाइस यहां पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की नेम फिल करेंगे या फिर गाइस आप जो भी बिजनेस करते हैं यहाँ पे आप उसे फिल करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोफेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे डिजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप कौन सी जगह पे काम करते हैं, यानी कि गाइस आप जो भी काम करते हैं या फिर गाइस आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ की कम्प्लीट एड्रेस यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में फिल करेंगे। साथ में पिन कोड फिल करेंगे, कौन सी सिटी में आप काम करते हैं, कौन सी स्टेट में आप काम करते हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक कंटिन्यू की बटन देखने को मिलेगी। फाइनल गाइस यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अपनी सारी डिटेल्स जैसे ही फिल करके और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देगी और गाइस यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा हमें इजी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड की है, जिसका लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 42,000 रुपया मुझे प्रोवाइड की है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन विशाल कुमार यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। और गाइज इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी हमें देखने को मिल रही है और गाइज इस क्रेडिट कार्ड की लुक भी हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज एक और क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा हमें प्रोवाइड की है, जिसका भी लिमिट यहाँ पे सेम ही आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की रुपये क्रेडिट कार्ड लेनी है तो यहाँ पे आप रुपये क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी कार्ड लेनी है कंप्लीट उसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और गाइज उस क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। जैसे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट ईयर जो ज्वाइनिंग फी है 500 रुपया है, बट गाइज यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद आप जो है यहाँ पे 60 दिन के अंदर में 6,000 रुपया यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी आपको 0 रुपया हो जाती है। और गाइज इस कार्ड की एनुअल फी भी यहाँ पे 500 रुपया है, बट गाइज आप जो है इस कार्ड को लेने के बाद यहाँ पे 35,000 रुपया ऑनलाइन 1 साल के अंदर में यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फी भी आपको 0 रुपया देनी होती है। और फिर गाइज इस कार्ड की कंप्लीट बेनिफिट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, फाइनली गाइज आप रीडिंग कर लेंगे, इस कार्ड की कंप्लीट बेनिफिट के बारे में आप समझ जाएंगे। साथ में गई यहाँ पे बताया गया है फ्यूल फर्चेज वेबअप की फैसिलिटी मिल जाती है, 100% रिवार्ड पॉइंट्स की फैसिलिटी मिलती है और गई स्मार्ट ईएमआई की ऑप्शन इस कार्ड के साथ उपलब्ध है। दोस्तों मुझे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की इजी पे कार्ड लेनी है तो कंप्लीट हम इस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और गई यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब गई यहाँ पे आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल फिल करनी है। जैसे यहाँ पे आप अपनी मेरिटियल स्टेटस बताएंगे कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। उसके बाद गई यहाँ पे क्वालिफिकेशन की ऑप्शन आएगी, फाइनल गई यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गई बताएंगे कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर गई यहाँ पे आपको अदर की भी ऑप्शन मिल जा रही है। उसके बाद गई आपको अपने कार्ड पे कौन सी नेम प्रिंट करानी है, यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट नेम फिल करेंगे। नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगी जाती है, यहाँ पे आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आप अपनी मदर की नेम फिल करेंगे, आप अपनी फादर की नेम फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिफर्ड मिलिंग एड्रेस की ऑप्शन मिलती है, फाइनल गाइज यहाँ पे आप जो है परमानेंट एड्रेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आपको जो है नॉमिनिंग ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे आप जो है नो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे या फिर गाइज नॉमिनिंग ऐड करना चाहते हैं तो उनकी कंप्लीट डिटेल फिल करेंगे और गई यहाँ पे आप जो है प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई यहाँ पे आप जो है एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं, जिसका यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस अलग से पे नहीं करनी है। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और गई जिन भी व्यक्ति का यहाँ पे आप कार्ड लेना चाहते हैं उनकी कंप्लीट नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी मोबाइल नंबर, उनकी पिन कार्ड की नंबर, ये सारी डिटेल फिल करेंगे। अगर गई यहाँ पे आप एड ऑन कार्ड नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे और गई यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गई यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो रही है। यहाँ पे गई आपसे पूछी जा रही है कि आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की RM है या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव है। फाइनल गई आप जो है इसे नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे और गई यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है। फाइनली गाइस यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है, इनकम प्रूफ सभी लोगों को नहीं अपलोड करनी होती है, क्योंकि गाइस मैंने इसके पहले एक दूसरे व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, वहां पे हमसे इनकम प्रूफ नहीं मांगी गई है। यहाँ पे जिसे इनकम प्रूफ मांगी जाएगी उसको अपलोड करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे आपको एक अपलोड की बटन देखने को मिलेगी, यहाँ पे हम अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और देखिए गाइस यहाँ पे हमें बताई दे रही है कि मैक्सिमम फाइल साइज जो है 3 MB की होनी चाहिए, और भी गाइस यहाँ पे अपलोड फील्ड रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताई जा रही है। फाइनल गाइस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे भी मेरी फोटो है वहां से कम्प्लीट अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करनी होती है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। और गाइस आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आप पासपोर्ट, आधार, पैन, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे हम अपलोड में जाएंगे और गाइस इसे ही मेरे सिस्टम में जहाँ पे भी आधार कार्ड की फोटो होगी यहाँ से कंप्लीट हम अपने आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे करेंट एड्रेस प्रूफ की ऑप्शन मिलती है। फाइनल गाइस यहाँ पे हमें एड्रेस प्रूफ को अपलोड करनी है। यहाँ पे गाइस आप जो है आधार, पासपोर्ट, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप जो है एड्रेस प्रूफ में भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें आधार कार्ड अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और गाइस यहाँ पे अपलोड में जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है जहाँ पे भी हमारे सिस्टम में आधार कार्ड की फोटो होगी वहां से हम कंप्लीट अपलोड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अपनी सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक सबमिट एंड प्रोसीड की बटन देखने को मिलेगी। फाइनल गाइस यहाँ पे आप सबमिट एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक टर्म एंड कंडीशन की पेज ओपन होके आती है। इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आप एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब गाइस आधार OTP के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन को ई सिंगिंग करेंगे, तो यहाँ पे आप नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होती है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पे आप जो है इस एप्लीकेशन को कंप्लीट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उसके बाद गाइस यहाँ पे ई साइनिंग करने के लिए यहाँ पे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, आप जो है OTP कंप्लीट फिल करेंगे, प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे NFDL वेबसाइट पेज आपको ले जाएगा, उसको कंप्लीट वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है, वे कंप्लीट यहाँ पे साइन हो गई है। अब गाइस यहाँ पे आपको छोटी सी एक वीडियो KYC करनी होती है। देखिए दोस्तों अभी वीडियो KYC करने के लिए यहाँ पे आप नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव है उनकी कॉल आपके साथ कनेक्ट होती है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। फाइनल गाइस वहां पे आपको अपनी कुछ चीजें को वेरीफाई करनी होती है, जैसे आप अपनी पैन कार्ड, आप अपनी आधार कार्ड ओरिजिनल वाले, उसे आप अपनी कैमरा के माध्यम से उसे स्कैन करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद गाइस आपको एक लाइव सिग्नेचर करनी होती है, जो कि गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी एग्जीक्यूटिव है उसे वे कंप्लीट वेरीफाई करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे वीडियो KYC आप बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गई यहाँ पे आपके ईमेल पे कुछ इस प्रकार से मैसेज आती है, यहाँ पे गई आपको एक URL लिंक मिलेगी। फाइनल गई इसी लिंक के माध्यम से आप अपनी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट वीडियो KYC करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो KYC की कंप्लीट टाइम बताई गई है कि आप मंडे से लेकर के सैटरडे तक 9:30 बजे सुबह से लेकर के रात को 9 बजे तक आप किसी भी टाइम यहाँ पे वीडियो KYC कर सकते हैं। एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे मैं वीडियो KYC करके आपको लाइव दिखाता, बट गई यहाँ पे आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज संडे है, जिस कारण से मैं यहाँ पे वीडियो KYC करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट गई यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। गई आपकी वीडियो KYC जैसे ही कंप्लीट होती है यहाँ पे 1 से 2 वीक के अंदर में आपकी एड्रेस पे बाई पोस्ट के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाती है। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रोसेस करके बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी क्रेडिट कार्ड है अगर आप जो है लेना चाहते हैं तो फाइनली गाइस कुछ इस प्रकार से प्रोसेस करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।